हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं CCS यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड, कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की जो है मेरिट, उसके एग्ज़ाम्स का क्या निर्णय लिया गया है, या और भी जो UG के जो एग्ज़ाम हैं अंडर ग्रेजुएट के, उनके एग्ज़ाम्स का, और PG के जो एग्ज़ाम्स हैं उनका क्या अपडेट है और उनके बारे में क्या निर्णय लिया गया है। तो आप पहले देखिए, जो डिप्टी CM है UP के, उनका ये वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देखिए। में ये रखा है कि जहां प्रथम और तृतीय स्नातक क्षेत्र में और स्नातकोत्तर में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं, वहां स्नातक द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के अंक प्रथम तृतीय सेमेस्टर के अंकों के आधार पर निर्धारित होंगे तथा मिड टर्म और अंतरिम मूल्यांकन के आधार पर भी उनका निर्धारण किया जा सकता है। ये दूसरी जो प्रावधि थी कि जहाँ पर जो विषम और सम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई दोनों की, वहाँ पर मिड टर्म और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर विषम और सम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम और जो अंक अंतर्वेशन से निर्धारित किए जा सकते हैं। इसी तरीके से स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतिम स्नातक सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। स्नातक पंचम सेमेस्टर और स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं जहां पर संपन्न नहीं हुई हैं, तो अंतिम सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के अंतर्वेशन से पूर्व सेमेस्टर के अंक निर्धारित किया जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सेमेस्टर की परीक्षाएं कहीं पर हो चुकी, ज़्यादातर जगहों पर जो सूचना मिली है विश्वविद्यालयों की, कई जगह पर हो चुकी हैं, कुछ सेमेस्टर की, कुछ की नहीं हुई हैं, अगर प्रथम की हो गई है तो उसके अंक द्वितीय में सम्मिलित कर ले जाएंगे और द्वितीय को प्रमोशन दे दिया जाएगा और प्रथम का जो रिजल्ट है वो उसकी ली गई परीक्षा के अंकों के आधार पर निकलेगा। जहाँ पर परीक्षाएँ नहीं हुई थी और पिछले अंक भी प्राप्त नहीं है, वहां पर परीक्षा को कराने का निर्णय लिया गया है। ये केवल दिशा निर्देश हैं और दिशा निर्देश के अनुसार विश्वविद्यालयों को अधिकृत किया गया है कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी तैयारी के अनुसार जो दिए गए दिशा निर्देश हैं उनको समायोजित करते हुए परीक्षा का निर्धारण करने के लिए अपनी कार्यकारिणी परिषद से और जो उसकी अधिकृत संस्था है उससे वो अनुमति लेके परीक्षाओं का संपादन अपने स्तर से करा सकते हैं। वार्षिक जो परीक्षा पद, अब देखिए अब आपका जो आ गया है वेल स्टैंड का आ गया है, उसे ध्यान से सुनिएगा। दत्ती है उसके संदर्भ में जो दृष्टिकोण रखा गया है कि प्रथम वर्ष की परीक्षाएं जहां संपन्न हो गई हैं वहां उसके अनुसार रिजल्ट निकाल दिया जाएगा और द्वितीय वर्ष को प्रथम वर्ष के आधार पर नंबर दे दिए जाएंगे स्नातक में भी और स्नातकोत्तर में भी। लेकिन अगर स्नातक का जो प्रथम वर्ष का माने परीक्षा नहीं हुई है तो स्नातक को हम प्रमोशन दे देंगे और द्वितीय वर्ष की परीक्षा को भी हम संपादित करेंगे। स्नातक और स्नातकोत्तर तृतीय वर्ष की परीक्षाओं को लेने का निर्णय लिया गया है। तो इन परीक्षाओं को लेने का जो निर्णय लिया गया है, जो जहां पर परीक्षाएं नहीं हुई थी या जहां पिछले अंक हमको नहीं मिल रहे हैं, जहां मिड टर्म नहीं है, जहां असाइनमेंट्स का हमको जरिया नहीं मिला है, वहां हम परीक्षा कराएंगे। जहां पर हमको पिछला रिकॉर्ड मिला है वहां हम प्रमोशन देने की। इस वीडियो में जैसा कि आपने देख लिया है, जो हमारे डिप्टी CM हैं UP के, वो बता रहे हैं अपडेट्स के बारे में। तो इन्होंने क्या बताया है इस वीडियो में, इन्होंने बताया है कि यूनिवर्सिटी जो हैं फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम्स होंगे UG के और PG के, वो एग्ज़ाम्स नहीं कराए जाएंगे, उन स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाएगा। और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनमें से कि सिर्फ थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स का लिया जाएगा, एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको फर्स्ट ईयर के बेसिस पे प्रमोट कर दिया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि जिनका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स हैं तो उनके ये कहा गया है कि अगर किसी के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के डेटा अवेलेबल हैं कि उन्हें कितने मार्क्स थे, तो उनको फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिस पे भी
या उनके जो प्रीवियस सेमेस्टर हैं उनके बेसिस पे भी प्रमोट किया जा सकता है। उन्होंने इसके अलावा ये भी कहा है कि एग्ज़ाम्स सिर्फ उनके होंगे जिनके कोई अभी प्रीवियस डेटा अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए उनके लास्ट सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो ऐसे ही जो कोर्सेज हैं उनके एग्ज़ाम्स होंगे। बाकी जो और कोर्सेज हैं जिनमें एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और जिनमें उनको रिजल्ट आ चुका है, तो उन्हें लास्ट ईयर के बेसिस पे या लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के बेसिस पे उनको प्रमोट कर दिया जाएगा और सिर्फ फाइनल ईयर के ही एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे वो यूजी हो और पीजी। हालांकि इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसमें बीएलएलबी से रिलेटेड कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई है, या बीकॉम एलएलबी जो 5 ईयर है इंटीग्रेटेड कोर्स से रिलेटेड इसमें कोई बात नहीं कही गई है। फिर भी इस वीडियो को देख के यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनका जो मत है या उनका कहना जो है वो स्पष्ट है कि जो एग्ज़ाम्स होंगे वो सिर्फ फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर वालों के होंगे, और जो जितने भी इंटरमीडिएट ईयर या इंटरमीडिएट ईयर से हैं और जो बीच की जो सेमेस्टर्स हैं उनके स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए कोई सेकेंड सेमेस्टर में है या कोई 6th सेमेस्टर में या 8th सेमेस्टर में, तो उनके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, उनको उनके पिछले सेमेस्टर के बेसिस पे प्रमोट कर दिया जाएगा। और दूसरा तरीका भी उन्होंने बताया है इस वीडियो में, दूसरा तरीका ये है कि उनको अगर उनके पास पिछले सेमेस्टर के डेटा भी उपलब्ध नहीं हैं, यानी कि उनके पिछले सेमेस्टर में भी उनके मार्क्स नहीं आए हैं, नहीं पता चले हैं, तो उनको इस सेमेस्टर में मान लीजिए किसी कॉलेज ने या यूनिवर्सिटी जो हैं उन्होंने अपने इंटरनल बेसिस पे मान लीजिए असाइनमेंट कराए हैं और मिड टर्म कराए हैं, तो उनको मिड टर्म के बेसिस पर ही प्रमोट कर दिया जाएगा और उनको उसी के बेसिस पर मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये खबर है यूपी के सभी विश्वविद्यालयों सभी यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड और CCS से भी रिलेटेड। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये आपके लिए अपडेट था, तो आप सब लोग निश्चिंत हो जाइए।